सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। आजमगढ़ अनजान सहित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय ने भाजपा सरकार को जनहित के सभी मुद्दों पर असफल बताया। डॉक्टर राय ने रोडवेज स्थित गोल्डन फॉर्चून होटल में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कहा कि देश व प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है। डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस वजह से सभी सामानों के दाम दोगुना तीन गुना महंगे हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूंजीपतियों के मिलीभगत से भाजपा सरकार आम जनता को भुखमरी के कगार पर ढकेल रही है। डॉक्टर राय ने कहा कि प्रदेश में खासतौर से पूर्वांचल में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू हुए विकास कार्यों को छोड़ दें तो साढ़े चार वर्ष में भाजपा सरकार ना तो एक अस्पताल, ना सड़क, ना फैक्ट्री, ना तो कोई विद्युत सब स्टेशन बनवाया है। प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पर है। डॉक्टर राय ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे तुलना की। उनके द्वारा बताया गया कि हमारे सपा के कार्यकर्ता में जो आगरा एक्सप्रेसवे के 22 मामले बना दिया था, वही वर्तमान प्रदेश सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेस को 4 साल में भी पूरा नहीं हो सका और तो और पहली बारिश में एक्सप्रेसवे गड्ढा युक्त हो गया। डॉक्टर राय ने कहा कि प्रदेश में गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, अगड़े पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी वर्गों के लोग 2022 में सपा मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। डॉक्टर अभिषेक राय को सपा ने आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे पूर्वांचल में सरोवरों को ध्यान साधने का किया है प्रयास। इस अवसर पर सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव आदि लोग मौजूद रहे। आभार कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता, भले मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को प्रवक्ता बना दिया, इसके लिए उनका कोटि कोटि दिल से आभार है। उनको ये लगता है कि आजमगढ़ उनके लिए बहुत खास है, उनकी कर्मभूमि है, इसलिए उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए चुना। मैं कोशिश करूँगा आप मीडिया के सहयोगों के माध्यम से कि मैं उनकी पार्टी के माध्यम से कि मैं उनके कार्य पे, उनकी निष्ठा पे मैं खरा उतर पाऊँ। पूर्वांचल हमें मजबूत करना, हम इस बार 135 में से 100 से ऊपर सीटें जीत रहे हैं। पूर्वांचल में भूमियार बाहुल्य सीटों पे हम बहुत मजबूत हैं और आजमगढ़ की दसों सीटें हम जीतने जा रहे हैं। हमारे पास हर सीट पे 2 से 3 जिताऊ प्रत्याशी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको देखेंगे किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना। बीजेपी का कल दावा 300 सीटों पर ये मिथ्या है, मिथ्या है, जैसे खोखला वादा, जैसे हमें पूर्वांचल एक्सप्रेस उन्होंने बनाया अभी आजमगढ़ में उखड़ गया, ऐसा ही मिथ्या दावा है मित्र, इसमें फंसना नहीं है। अब आप देखें ना, एक आदमी को वो लेके आए कि उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाना, क्या मिला? पदाध्यापक, बहुत सीनियर आदमी है, मेरे वरिष्ठ हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप देखो, हमें अभी राजनीति करते हुए सिर्फ 2 महीने मैंने शुरुआत करी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे प्रवक्ता बना दिया, इसके लिए उनका खुद ही धन्यवाद। वो भूमियारों को और बाकी सवर्ण जातियों को प्रमोट करना चाहते हैं।